हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोर करिकुलम। तो कोर का मतलब क्या होता है? जो फंडामेंटल हो, जो बेसिक हो, जो इम्पोर्टेंट हो, तो जो हर जगह कॉमन हो, फंडामेंटल हो और बेसिक हो, तो उसी करिकुलम को हम कोर करिकुलम कहते हैं। द कोर करिकुलम डिजाइन दोज लर्निंग एक्सपीरियंस दैट आर फंडामेंटल फॉर ऑल लर्नर्स। तो जो कोर करिकुलम होता है उसमें सारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हो या फंडामेंटल हो, दे डिराइव फ्रॉम आवर कॉमन इंडिविजुअल ड्राइव्स एंड नीड्स। यानी ये जो करिकुलम है ये हमारी नीड्स, हमारी सोशल और सिविक नीड्स से ही बनता है। मतलब जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल है, उसी को ही कोर करिकुलम कहते हैं। जैसे हमें 10th तक जो भी पढ़ाया जाता है वो सबके लिए सेम ही रहता है, यानी वो जो चीज़ है वो पूरी फंडामेंटल है, तो उसी को ही हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल या कोर करिकुलम। या कोर करिकुलम यानी वो हर बच्चे के लिए सेम है और हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कोर करिकुलम का मतलब क्या होता है? ऐसा करिकुलम जो कि हर बच्चे के लिए फंडामेंटल है या इम्पोर्टेंट है या कॉमन है, उसी करिकुलम को जो पढ़ाया जाता है ताकि हर बच्चा एक बेसिक नॉलेज को गेन कर ले, तो उसी करिकुलम को क्या कहते हैं, कोर करिकुलम। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कोर रिफर्स टू द हार्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट एवरी लर्नर मस्ट गो थ्रू। यानी एक तरह का हार्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस है जो कि हर बच्चे को लेना चाहिए। फंडामेंटल नॉलेज है ये जो कि हर स्टूडेंट अपने स्कूल में पढ़ता ही पढ़ता है। जैसे अल्फाबेट्स है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, तो वो हर बच्चा गेन करता है, तो वो एक तरह का फंडामेंटल नॉलेज है, तो वो एक तरह का कोर करिकुलम के अंडर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? सेट ऑफ कॉमन लर्निंग्स, यानी जो कॉमन लर्निंग का सेट होता है उसी को ही हम कोर करिकुलम कहते हैं, जिसके अंदर नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज आ जाएंगी जो कि हर बच्चे को प्रोवाइड की जाती है, ताकि उसके अंदर एक बेसिक नॉलेज तो आ ही जाए, बेसिक नॉलेज तो आ ही जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।